सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आज 15 अगस्त है, यानी हमारे देश की आज़ादी का दिवस। तो 15 अगस्त की सबसे पहले सबको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होने की वजह से मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल रहा था। अब मेरे एग्ज़ाम बीत चुके हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो अपलोड कर सकूँ। आज हम लोग एक आम भाषा में कहीं भी एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, औकात। अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि अबे तू औकात में रहा कर, औकात में रह कर बोल, औकात से ज़्यादा आगे ना निकल। यार हम लोग क्या करते हैं यार, कभी आपने सोचा है कि हम क्या बोलते हैं? औकात क्या है? औकात ये शब्द कितनी छोटी सी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। क्या आप भी उसी में से हैं जो दूसरे को बोलते हैं औकात क्या है? मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए एक धोबी का लड़का है, उसके पापा धोबी हैं और कपड़े धुलते हैं, तो उसकी औकात क्या है? कपड़े धुलने की। तो क्या अब उसकी औकात यही है कि वो कपड़ा धुलेगा? आप बताइए उसको क्या बोलते हैं आप कि औकात मेरा, तेरी यही औकात है, बस तू कपड़ा धुल, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता है तू। बताइए आप क्या करते हैं हम, ये उसकी औकात है। एक ब्राह्मण के लड़के को ले लीजिए जिसके पापा पुजारी हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेरी औकात यही है कि तू पुजारी रह, तू अपने बाप के जैसे पुजारी बन, तू आगे नहीं बढ़ेगा, तेरी औकात यही है। कभी आपने सोचा है कि औकात शब्द जो है कितनी छोटी सी मानसिकता को प्रदर्शित करती है? दोस्तों यहाँ पे हमें औकात का पॉजिटिव थिंक से, पॉजिटिव सोच से सोचना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए यार देख तू अपने औकात से आगे बढ़, तभी लाइफ में सक्सेस होगा। अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो अपनी औकात को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कम ऑन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अपने औकात को पीछे छोड़ना पड़ेगा तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो औकात के दायरे में रहकर आज तक न कोई आगे बढ़ा है न कभी बढ़ सकेगा। कम ऑन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि औकात में रह के ना आज तक कोई आगे बढ़ा है न कोई बढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ना है, इतिहास रचना है, सक्सेस होना है तो औकात को पीछे छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों औकात को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए और इस चीज़ को आज से ध्यान दीजिए कि कहीं हम गलती से भी किसी को ये ना कहें कि तेरी औकात क्या है, अपने औकात में रहा कर। हमें ये बोलना चाहिए कि औकात को, जो तुम्हारी जो भी औकात है उस औकात को छोड़ के और आगे बढ़, और आगे बढ़, और आगे बढ़, तब जाके हम, हमारा देश और हमारा समाज जो है अच्छा हो सकेगा।